Hello everyone, welcome to my world. So in today's video I did a Bengali look. So today I'm going to sharing with you guys how I can drape my Bengali sari. Before moving forward, please do subscribe my channel if you are newbie and hit that notification bell so you will get to know whenever I put my video. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले हम साड़ी का स्टार्टिंग का पार्ट लेंगे, उसे आगे की तरफ टक करेंगे, देन अपनी वेस्ट के अराउंड उसको टक कर देंगे अच्छे से, जैसे कि हम नॉर्मल साड़ी में करते हैं. बंगाली साड़ी भी काफ़ी इजी होती है ड्रेप करना नॉर्मल साड़ी से, तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी बंगाली साड़ी लगी ड्रेप करना. देन उसके बाद हमें एंड में जो पल्ला होता है उसको अच्छे से उसकी प्लेट्स बनानी है, जैसे कि मैं बना रही हूँ, आप देख रहे हैं. इस तरह से आपको क्लीन प्लेट्स बनानी है और इसको पिनअप कर देना है अच्छे से, ताकि ये खुले ना और हमें आगे प्लेट्स बनाने में इजी रहे. तो हमें ये प्लेट्स इतनी बनानी है जितनी हमारी लेंथ है पूरी, हमारी हाइट है. अब हमारे हाइट के अकॉर्डिंग, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पूरी प्लेट्स बनाइए, जैसे कि मैं बना रही हूँ. और एक साथ ही प्लेट्स को अच्छे से रखना है और उसको पिनअप करते रहना है, और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही आप प्लेट्स पल्ले को पूरा रखें नीचे तक, जैसे मैंने रखा है. और फिर उसको शोल्डर के यहाँ से टक कर दें, पिनअप कर दें. प्लेट्स हमने पिनअप कर दी हैं अच्छे से शोल्डर पे. ध्यान रहे कि हमें जो पल्ला है वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग पूरी नीचे फुट तक लेना है, उसको पीछे नीचे तक. देन उसके बाद हम आगे से अपनी प्लेट्स बनाएंगे. और बंगाली साड़ी में जो प्लेट्स होती हैं वो नॉर्मल साड़ी से बड़ी बनती है, जैसे नॉर्मल साड़ी में हम प्लेट्स बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी प्लेट्स बनती है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बना रही हूँ. तो इसमें मैक्सिमम 3 या 4 प्लेट्स ही बनती है, क्योंकि इसमें बड़ी प्लेट्स बनती है नॉर्मल साड़ी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसमें 3 या 4 प्लेट्स ही बनती है. मेरी 3 प्लेट्स बनी है. और फिर प्लेट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से आपको प्लेट्स को सेट करना है, अपने हाथों से ही प्रेस करना है इनको अच्छे से, और फिर इसको अंदर की तरफ टक कर लेना है अंदर से. बंगाली साड़ी में मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्रैप करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रैप करना, क्योंकि इसमें चलना मूव करना काफ़ी इजी होता है नॉर्मल साड़ी से. मुझे पर्सनली बंगाली साड़ी बहुत पसंद है. फिर इसको टक करने के बाद अपनी प्लेट्स को अच्छे से सेट करना है आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ. देन उसके बाद आपको आगे से कवर करना है, तो आप कर सकते हैं जो हमारा पल्ला है उसी का हमें कॉर्नर वाला पार्ट लेके पीछे की तरफ टक कर लेना है. आप इसको अंदर भी टक कर सकते हैं और इसको पिनअप भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमारा जो पल्ला था उसमें से पिन आपको रिमूव करनी है, देन पिन रिमूव करके आपको उसका कॉर्नर वाला पार्ट लेना है जो एंड वाला पार्ट है, और उसको यहाँ से आगे ला के शोल्डर पर टक कर देंगे, जैसे कि मैं कर रही हूँ आप देख रहे हैं. तो येस गाइज, दिस इज़ द वे हाउ टू ड्रैप अ बंगाली साड़ी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा मैंने जैसे आपको समझाया है कि कैसे बंगाली साड़ी को ड्रैप किया जाता है. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.